नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की। अरविंद केजरीवाल हम सब जान रहे हैं कि नीचे राउस एवेन्यू कोर्ट में किस प्रकार वेकेशनल बेंच ने अचानक उनको जमानत दे दी। हालांकि जमानत की याचिका के लिए या जमानत की एप्लीकेशन के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था उनसे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब वो अपनी जमानत, जो उनकी अस्थायी जमानत थी, उसका एक्सटेंशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की वेकेशनल बेंच गए, तो सुप्रीम कोर्ट की वेकेशनल बेंच ने उनको, मतलब उसमें मेंशन किया गया, तो वो मेंशनिंग को उन्होंने सुनने से मना कर दिया। ये कहा कि भाई जिस बेंच में तुम्हारा प्रॉपर बेल लगा हुआ है या जो जिस बेंच के माध्यम से तुमने बेल ली थी, उसके एक जज अभी दो दिन पहले तक बैठे थे वेकेशनल बेंच में, आपने उनके सामने क्यों नहीं लगाया? हम आपको बेल नहीं दे सकते, हम आपका एक्सटेंशन नहीं कर सकते। वो रजिस्ट्री में गए, रजिस्ट्री ने उनको उनकी एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया, लेकिन रजिस्ट्री ने साथ में ये कहा कि नहीं, आप प्रॉपर बेल के लिए नीचे एप्लीकेशन लगाइए, कोई समस्या नहीं है, रेगुलर बेल के लिए आई है, कोई समस्या नहीं है, इसलिए आप जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। उन्होंने ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई। ट्रायल कोर्ट एप्लीकेशन सुनता इससे पहले वेकेशन आ गया, क्योंकि ये सारा वेकेशन में ही चल रहा था, और जो पहले ट्रायल कोर्ट में लगाया जा चुका था वो सब कुछ पहले ही से डिसमिस हो ही चुका था, क्योंकि पहले बेल लगाई जा चुकी थी, पहले रिमांड के खिलाफ जाया जा चुका था, हाई कोर्ट जाया जा चुका था, सुप्रीम कोर्ट तब पहुंचे थे, यही प्रक्रिया करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिसमें डेमोक्रेसी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कह दिया था कि भाई अगर तुम्हें डेमोक्रेसी के लिए चाहिए तो हम तुम्हें एक इंतरिम बिल दे सकते हैं ताकि चुनाव करवा लीजिए, चुनाव डेमोक्रेसी बहाल रहनी चाहिए भारत में, और तुम चूंकि पार्टी के मुखिया हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और तुम्हारी ही पार्टी है, इसलिए जा सकते हो। हालांकि ये फार्मूला लागू हेमंत सोरेन के ऊपर भी होना चाहिए था, लेकिन हेमंत सोरेन पर वो फार्मूला लागू नहीं हुआ, अरविंद केजरीवाल पर लागू हुआ। अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, प्रॉपर बेल के लिए वो नीचे वेकेशनल बेंच के पास गए। सामान्यतः देश भर में ये प्रैक्टिस में है कि जो रेगुलर बेंच होती है उसका मामला वेकेशनल बेंच जनरली नहीं सुनती, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो तो ही सुनती है, अदरवाइज वो उस पर डेट डाल देती है, मतलब स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कि भाई स्टेटस को मेंटेन रहे। कुछ की हो सकता है तारीखें लगी हों, कुछ की गिरफ्तारियां हुई हों, कुछ का बेल बॉन्ड भर, कुछ को आगे की प्रक्रिया, चालान की प्रक्रिया होनी हो, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी प्रक्रिया होती है जिसमें कि लैक ऑफ प्रोसीजर हो जाएगा, तो प्रोसीजरल मैकेनिज्म वहाँ कम पड़ जाती है, इसलिए क्या करते हैं, एक वोकेशनल बेंच बिठाते हैं, वोकेशनल बेंच उन कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में वेकेशनल बेंच ने, जो रेगुलर बेंच जिसने महीनों के हिसाब से सुना था, सुप्रीम कोर्ट ने तो महीनों के हिसाब से सुना था, हाई कोर्ट ने भी घंटों के हिसाब से सुना था, उनकी सबकी बात को, मतलब उसको दरकिनार करते हुए वेकेशनल बेंच ने उनको बेल दे दी, और वेकेशनल बेंच ने सुना भी नहीं ईडी को पूरा, ईडी से कह दिया कि भाई हमें ऑर्डर लिखना है, जल्दी बोलो, और इतना बड़ा तुमने जो हमको दिया है ये बहुत बल्की है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ने वाले हैं, आप बता दो हमको, हम बेल देने वाले हैं। ये बात अपने आप में बता रही है, और ये ऑर्डर में भी लिखा कि ये दोनों तरफ से जो डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं ये बहुत बल्की हैं और इनको बहुत पढ़ना मुश्किल है, और इसलिए मैंने ऑपरेटिव पार्ट ये सुना वो सुना और ऐसा लिख दिया। अब सोचिए कि वो कोर्ट भी कह रही कि हमने पूरा सुना नहीं है इनका मामला, हमने तो केवल बेल सुनी है, और ईडी को ये कहा है कि ईडी बायस है, मतलब कोर्ट कह रहा है ईडी बायस है, सुप्रीम कोर्ट मामला सुन रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने निकाला ईडी बायस है, हाई कोर्ट ने निकाला ईडी बायस है। इसी विषय पर उनके जो मनीष सिसोदिया की बेल गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हफ्तों के हिसाब से बैठा था, उसमें भी नहीं कहा कि ईडी बायस है, लेकिन नीचे वेकेशनल कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने कह दिया कि भाई वो था अनफाउंडेड में, चूंकि एकदम अचानक हो गया, तो अनफाउंडेड में हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने उस पर बेल स्टे कर दिया, और ये कहा कि जब तक हम ऑर्डर नहीं कर सकते, हालांकि उन्होंने पूरे दिन सुनवाई करी, सुनवाई के बाद उन्होंने कहा जब तक हम इस पर ऑर्डर नहीं कर देते तब तक ये बेल स्टे होती है। वो रिविजन भी था, रिवीजन से मतलब बेल ग्रांट पर रिवीजन दाखिल हो जाता है, तो हाई कोर्ट रिवीजन सुन लेता, हाई कोर्ट ने रिवीजन सुन लिया होगा, लेकिन फिलहाल स्टे करते हुए प्रॉपर ऑर्डर करेंगे। अब हाई कोर्ट का ऑर्डर आए, हाई कोर्ट
उस पर ऑर्डर करे, उससे पहले उनके वकील, केजरीवाल जी के वकील, और अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में वैकेशनल बेंच बैठी हुई है, वहां भी इस समय 7 तारीख को खुलेगी कोर्ट। तो वैकेशनल बेंच में जब इन्होंने मेंशन किया तो उन्होंने कहा भाई इतनी जल्दी क्या है, ये क्या है, इतनी जल्दी क्या है। और लेकिन उन्होंने एक कमेंट किया, वो कमेंट हमें लगता है कि केजरीवाल एंड कंपनी को बड़ा भाया है, इसलिए वो कमेंट जो है वो चारों ओर इस समय चरितार्थ होता दिखाई पड़ रहा। कमेंट ये किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई जो स्टे ऑर्डर होता है बेल का, वो स्टे ऑर्डर मतलब बेल रिजेक्शन का ऑर्डर जनरली जिस दिन स्टे होता है उस दिन आ जाता है, बेल स्टे का जो ऑर्डर होता है वो उस दिन आ जाता है, इतने दिन हाईकोर्ट ले रहा है। ये बात यूजली जो वार्ता होती है बेंच और बार के बीच में, उसमें कोर्ट ने कहा होगा कि भाई इतना टाइम लग रहा है। अब ये तो इनके लिए तो स्पार्क हो गया कि भाई ये कैसे हो सकता है, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है इतना लंबा टाइम लग रहा है, वो तो तुरंत ऑर्डर आ जाना चाहिए। मेरा मानना यह है कि हाई कोर्ट की वेकेशनल बेंच उस विषय पर केवल स्टे ऑर्डर ही नहीं किया, वो जो बेल गई बेल की है उसकी कॉपी पर दोबारा एनालिसिस करके एक ऑर्डर लिखेंगे वो, इसलिए उनको समय चाहिए और समय प्रॉपर चाहिए। तो वो जो बेल का रिवीजन जाता है, जो मेंशनिंग करके किया गया, वो जो रिवीजन जाता है वो रिवीजन करने वाले हैं, इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते। ये क्या है कि रिवीजन का ऑर्डर आता, हालांकि ये तो एक पार्शियल स्टे था केवल कि भाई जैसे स्टेटस को मेंटेन कर दिया जाता कि भाई अभी स्टेटस को मेंटेन रखो, एक काम करते हैं कि अभी हम इसको प्रॉपर सुन लिया है, अब हम इसको ऑर्डर कर देते हैं, ये केवल स्टे नहीं होगा ऑर्डर होगा। सामान्यता जो स्टे की बात जो चर्चा कर रहे हैं ये लोग, ये स्टे वो वाला स्टे है जिसमें जिसमें केवल अस्थाई स्टे करके छोड़ दिया जाता और ये कहा जाता कि भाई जब अभी प्रॉपर कोर्ट बैठेगी तब इस पर सुनवाई होगी, फिलहाल हम स्टे कर देते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि वेकेशनल बेंच ने जो नहीं, नीचे वाली वेकेशनल बेंच ने जो ऑर्डर किया, ऊपर वाली वेकेशनल बेंच उस ऑर्डर को पूरा सुना है और वेकेशनल बेंच ही अब इसमें भी ऑर्डर करने वाली है। यानी कि जो वेकेशनल बेंच, लोअर की वेकेशनल बेंच का जो बेल है, जिसने बेल ग्रांट की है, वो बेल ग्रांट का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉपर उसकी उस पर रीजनिंग देते हुए वो ऑर्डर करने वाले हैं, इसलिए उनको टाइम लगेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो कमेंट आया होगा वो सिर्फ स्टे ऑर्डर पर आया होगा कि स्टे ऑर्डर सामान्यता तुरंत अपलोड हो जाता है, स्टे ऑर्डर भी केवल मौखिक स्टे दे दिया या स्टे एक लाइन का दे दिया या स्टे करके छोड़ दिया और ऊपर आगे वो उस पर कोई बड़ा कमेंट नहीं किया, इसलिए वो वार्ता करते समय इस तरह की चर्चा हुई होगी। सुप्रीम कोर्ट में जो केजरीवाल के वकील ने जो बहस की है, उस बहस में बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब तक प्रॉपर ऑर्डर हाई कोर्ट का नहीं आ जाता तो हम रिव्यू क्या करें। सीधी सी बात है, ऑर्डर पढ़ेंगे तब हम रिव्यू कर पाएंगे, तो जब ऑर्डर नहीं आया तो हम रिव्यू क्या करें, पहले उनका ऑर्डर तो प्रनाउंस हो जाने दिए। ये बहुत जल्दबाजी होगी कि उनका ऑर्डर अभी तक आया नहीं है और उनके ऑर्डर आए बगैर ही हम उस पर रिव्यू करने लगे, ये ठीक नहीं। इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि साहब जैसे लोअर कोर्ट के ऑर्डर अपलोड करने से पहले हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया था, वैसे ही आप उस स्टे को वैकेट कर दीजिए, वो जैसे ही स्टे वैकेट होगा तो नीचे लोअर कोर्ट का ऑर्डर एग्जीक्यूटेबल हो जाएगा, केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, हम साहब आपसे कही नहीं रहे कि उनकी बेल 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 का जो ऑर्डर है वो बेल ऑर्डर आप पूरा देखें। हम तो ये कह रहे हैं कि जो वैकेश जो 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 स्टे ऑर्डर किया था कोर्ट ने कि अभी मेरा ऑर्डर जब तक ना आए तब तक के लिए स्टे कर दीजिए, उतना ऑर्डर वैकेट कर दीजिए, उतना ऑर्डर समाप्त कर दीजिए, तो फिर नीचे वाले कोर्ट का ऑर्डर और केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। और हमें तो मेरा उद्देश्य यह है केजरीवाल, और अगर बेल रिजेक्ट कर दी जाती है हाई कोर्ट से तो फिर से केजरीवाल अंदर चले जाएंगे, ये आर्गुमेंट उनका था। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई देखो ये प्रॉपर नहीं है, नीचे कोर्ट का ऑर्डर जब तक हमारे हाथ में नहीं आता तब तक हम उसको कोई आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ा सकते। इस पर उनके वकील ने कहा कि साहब देखिए जब नीचे वाले कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था उसका ऑर्डर वेबसाइट पर अपलोड होता उससे पहले ही जैसे हाई कोर्ट में मेंशनिंग कर दी गई थी बिना ऑर्डर के, जो केजरीवाल की पत्नी कह रही थी क्या आतंकवादी हैं क्या, जो उनको आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी भागकर चली गई और मेंशन कर दिया जाके,
वही बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई जब ऑर्डर नीचे वाला अपलोड नहीं हुआ था, अपलोड होने से पहले स्टे कर दिया। अब इसमें कहने की बात तो ये वो जैसे कह रहे हैं वैसे कह रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने स्टे करते हुए 15 मिनट में, चूंकि राउस एवेन्यू कोर्ट हाईकोर्ट से लगी हुई है इसलिए 15 मिनट में वो पूरी फाइल मंगवा ली थी। ऐसे ही केबल वेकेशन उन्होंने ये कहा था कि अभी वेकेट कर देते हैं, फिलहाल हम फाइल को सुनेंगे, तो फाइल रिमांड के ऑर्डर कर दिए थे। रिवीजन की खास बात ये समझिए कि चाहे रिवीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया हो या रिवीजन हाई कोर्ट में गया हो, सबसे पहला काम जो हाई कोर्ट करता है रिवीजन में वो होता है फाइल को तलब करना। अगर उनको सब्सटेंस कुछ लगता है आर्गुमेंट में तो फिर वो सबसे पहले फाइल को तलब करते हैं, फाइल अपने पास रिमांड करने के बाद, अपने पास मंगवाने के बाद तब फिर से सुनवाई करना शुरू करते हैं कि नीचे वाले कोर्ट ने क्या किया होगा। अब जब फाइल उन्होंने मंगवाई तो नीचे वाले कोर्ट का ऑर्डर भी साथ में आया होगा, निश्चित रूप से नीचे वाले कोर्ट का ऑर्डर आया हो, नीचे वाले कोर्ट के ऑर्डर पर बहस हुई होगी दोनों पार्टियों की। तो यहां पर ये कहना कि वो वैकेट कर दिया था, वो वैकेट आप हटा दो और उन्होंने ऑर्डर के बगैर वैकेट, ऑर्डर के बगैर स्टे कर दिया था, वो स्टे आप वैकेट कर दीजिए, ऐसा कहना गलत है। केवल 15-20 मिनट के लिए ये एग्जीक्यूट करने से मना कर दिया था और ये कहा गया था कि हम जब सुन लें और तभी इस पर हम कोई बात आगे कहेंगे। उन्होंने सुन ली, सुनने के बाद फिर से ऑर्डर किया और सुनने के बाद फिर ऑर्डर किया कि हम इस पर प्रॉपर ऑर्डर करने वाले हैं, इसलिए तब तक के लिए स्टे कर दिया जाए जब तक कि हम प्रॉपर इस पर ऑर्डर ना कर दें। केवल ओरल कहने पर स्टे नहीं हुआ था, ओरल कहने पर स्टे थोड़े समय के लिए फाइल तलब करने तक के लिए, और ये सामान्य प्रक्रिया है रिवीजन में। रिवीजन में जब कोई पार्टी जाती है तो दो दो चीजें देखती है, हम दो एप्लीकेशन रिवीजन में लगाते हैं। एक तो हम कहते हैं कि ये जो ऑर्डर हुआ है मिलॉर्ड, ये ऑर्डर को हम चैलेंज कर रहे हैं। दूसरा हम कहते हैं कि जो नीचे वाला ऑर्डर हुआ है उसको स्टे कर दीजिए। तो ये सामान्य प्रक्रिया है कि जब हम हाई कोर्ट में या रिविजनल कोर्ट में जाते हैं तो हम दो एप्लीकेशन लगाते हैं। अगर नीचे वाले कोर्ट का ऑर्डर स्टे नहीं किया गया तो ये मान लीजिए कि नीचे वाले कोर्ट का ऑर्डर एग्जीक्यूटेबल है और जो वो सुनवाई कर रहा है वो अलग चलेगी। सुनवाई से पहले अगर स्टे नहीं दिया या सुनवाई के दौरान स्टे नहीं दिया तो नीचे जिस कोर्ट ने ऑर्डर किया है वो कोर्ट अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट भी करवा सकती है और आगे बढ़ सकती है किसी भी सिविल मैटर में। तो यहां पर दो ऑर्डर होना अनिवार्य है, पहला तो नीचे वाले ऑर्डर को स्टे किया जाए और दूसरा उस वो जो 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 नीचे वाले कोर्ट का ऑर्डर है उसको रिवाइज किया जाए। उसके रिवीजन का ऑर्डर जब तक आएगा तब तक नीचे वाले ऑर्डर को स्टे रखा जाता है, सामान्यतः यह होता है कि स्टे रखा जाता है। अगर स्टे न रखा जाए तो कोर्ट अगर एक महीना ऑर्डर लगाने में लगा देगी तो फिर एक महीने के लिए नीचे वाला ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। किसी के मकान के कब्जे का मामला है वो तो कब्जा ले लेगा, डिसमेंटल कर डालेगा। किसी को धन निकालने का मामला है, उन्हें धन निकाल लिया वो तो खर्च कर लेगा तब तक, और तब हम ऑर्डर करते रहेंगे। इसलिए क्या करते हैं, सामान्यतः 100 में 95% केसेस में हम ये करते हैं कि नीचे वाले कोर्ट के ऑर्डर को स्टे करवाते हैं और स्टे करवाने के साथ रिवीजन सुनवाते हैं। तो जो स्टे किया गया था उसका स्टे जो है वो वैकेट सामान्यता नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जब तक कोर्ट का ऑर्डर ना आ जाए तब तक स्टे कर दिए, स्टेटस का मतलब स्टेटस को मेंटेन कर दिया गया है। अब कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं हो रहा, कोई बहुत बड़ा भूचाल नहीं आया जा रहा, या कोई ऐसा नहीं हो रहा कि अनरिपेरेबल कोई इवेंट हो जाएगा जिसकी रिपेयरिंग नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल तो वैसे अंदर रहने थे, मनीष सिसोदिया वैसे अंदर हैं, सारे के सारे अंदर हैं, घोटाला अलग बड़े बड़े हैं, घोटाले में सुप्रीम कोर्ट पहले देख चुका है, सब कुछ तो महीनों के हिसाब से चला है, इसलिए उनके निकलना, उनका निकलना अपवाद है, उनका जेल में रहना ये प्रॉपर एक्शन है जब तक कोर्ट ऑर्डर ना कर दे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि देखिए ये श्रीमान जी, ये हम मानते हैं कि स्टे ऑर्डर अनयूजुअल है, ये यूजुअली नहीं आता, लेकिन रिवीजन बेंच रिवीजन जब सुन लिया गया है तो रिवीजन का जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक हमें नहीं लगता कि हमें सुनना चाहिए, ये प्री मेच्योर होगा, और चूंकि ये प्री मेच्योर होगा इसलिए हम आपको अभी रिलीफ नहीं दे सकते जब तक कि हाई कोर्ट अपना ऑर्डर लिख नहीं देता।
हाई कोर्ट अपना ऑर्डर लिखेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, तब तक सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि एक आध दिन में वो लगे और वैकेशनल बेंच की जरूरत ना पड़े, क्योंकि 7 तारीख को कोर्ट प्रॉपर खुलने वाली है, और प्रॉपर खुलेगी तो ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत में, चूंकि उन्हीं की अदालत से ये सब अटैच था, उनकी अदालत में चला जाएगा। ये संभव है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।